भाई एक चीज सुनिए ना, लंदन है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, यहां से करके जाते हैं। इनको पता ही नहीं है मैं चीमा साहब पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये क्वेश्चन मार है मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था, उसका बैकग्राउंड पढ़े जरा उसका, he went from the public schools, वहां माए क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, उन्होंने तालीम को गले लगाया, वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हमें क्या बढ़ना है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन जब तक कोई उस 22 करोड़ में से कोई मर्दे मोमेंट पैदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान नहीं बच सकता। ताड़ साहब, ये मर्दे मोमेंट इंडिया में तो देखें कोई मर्दे मोमेंट नहीं है, वो अवाम ने, ये सारे मर्दे मोमेंट, वो अपने डेफिनेशन गलत की, अपने मुल्क के लिए जो सिंसियर है वो मर्दे मोमेंट है, जो हलाल खाता है वो मर्दे मोमेंट है। फ्यूचर इंडिया का ये है कि उन्होंने अपनी क्या कहते हैं रोबोटिक सिटी बना ली है पूरी, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में यहाँ पे एक अंडरपास नहीं बन रहा, ठीक है। ये फ्यूचर नजर आ रहा है जो हम सिर्फ कार्टून में देखते हैं ना कि 21वीं सेंचुरी में, सदी में ही होगा, 22वीं सदी में ही होगा, वो इंडिया कर चुका है। दोस्तों, ये सच है कि जो भारत के बच्चे हैं उनके माँ बाप ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने सिर्फ बच्चों को एक ही चीज़ दी है, अच्छी शिक्षा। ये हमारे संस्कार है दोस्तों। मुझे एक याद है, मेरे पिताजी जब मेरे को पढ़ाते थे तो सब एक ही बात कहते थे, बेटा देश की सोचना सबसे पहले, जो देश की सोचता है वो जिंदगी में कभी मार नहीं खा सकता, और जो देश की सोचता है वो सबकी सोचता है, और जिसे देश से प्यार नहीं है उसे किसी चीज़ से प्यार नहीं है। और ये हकीकत है दोस्तों। आज पाकिस्तान देख लो कहाँ है, और हमारी वंदे भारत आज छा गई है, दुनिया की बुलेट ट्रेन भी पीछे जा रही है इससे। ये है भारत की ताकत, जो भारत के जो संस्कार हैं, भारत का मुकाबला नहीं है दोस्तों। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये कि चीमा साहब, आप मुझे उसको छोड़े, मैं आज बल्कि गिला है मुझे इस चीज का, मैं अगले दिन भी किसी से बैठ रहा था, हम CSS करने वाले कौन है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, 18वें ग्रेड में पहुंच दे जाते हैं बच्चों को, लंदन लेके आ जाते हैं, या मास्टर करने के लिए पाकिस्तान ट्यूशन फीस देता है उनकी अमेरिका या लंदन के लिए, वो खुद आते हैं फिजिकली, वापस जाते हैं, दिल दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, ख्वाब आपने देखने फौरन। हर 18वें ग्रेड का बंदा पाकिस्तान को वो लूट रहा है, खा रहा है, खून चूस रहा है उसका। ये कुछ थोड़े से लोग थोड़ी है, ये देखे ना जनरल कौन है, मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे आर्मी चीफ के वाले साहब कौन थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, वो भूल गए आज के हम मेरा बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह हर बंदे की स्टोरी यही है, हर CSS अफसर की स्टोरी यही है। भाई एक चीज सुनिए ना, लंदन है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, प्रिंसटन है, यहां से करके जाते हैं। इनको पता ही नहीं है मैं चीमा साहब पाकिस्तान में अजय बंगा क्यों नहीं पैदा हो रहा, ये क्वेश्चन मार है मेरा 22 करोड़ लोगों से। ये सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। और वो अजय बंगा जो है वो मिडिल क्लास से था, उसका बैकग्राउंड पढ़े जरा उसका, he went from the public schools, वहां माए क्यों नहीं पैदा कर रही बच्चे इंटेलेक्ट के साथ, क्यों अपनी मां के कपड़े सुबह शाम ये फाड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं, शर्म नहीं इनको आती, कोई जमीर नहीं है इनके। हर CSS अफसर मिडिल क्लास से और लोअर मिडिल क्लास से, लेकिन वो करता क्या है, शादी कर लेता है किसी अमीर और बड़े नवाब की बच्ची से, सारी जिंदगी उसके खर्चे पूरा करता है, गरीबों का खून चूस चूस के। चीमा साहब, इनको कुछ शर्मो हाई आई नहीं है, कोई लेगेसी ही नहीं, सोचते ही नहीं है कि कब्र में जाना है वहां लेके क्या जाएंगे हम। लेकिन पता नहीं चीमा साहब, मैं तो हैरान होता रहा उनके कि ये किस क्या अपनी मां के कपड़े फाड़ते हो यार, सुबह शाम थप्पड़ मार रहे हो अपनी मां को। कौन सा मुल्क आपने देखा जो अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो, आप तैयार हैं, आज आप तैयार हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर रेडी। पेट्रोल खास अब हाथ में लेके फिर रहे, तीली लगाने की देर है। IMF का पैकेज तो सिर्फ 5-6 हजार लोगों के लिए, वो अब पाकिस्तान के लिए नहीं और पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं। उनकी किस्मतों के फैसले मेरा ख्याल है कहीं और हो रहे हैं, कहीं और ही होंगे आगे भी मजीद। लेकिन जब तक कोई उस 22 करोड़ में से कोई मर्दे मोमेंट पैदा नहीं होगा, वो पाकिस्तान नहीं बच सकता। ताड़ साहब, ये मर्दे मोमेंट इंडिया में तो देखें कोई मर्दे मोमेंट नहीं है, वो अवाम ने, सारे मर्दे मोमेंट है, अपने मुल्क के लिए जो सिंसियर है वो मर्दे मोमेंट है, जो हलाल खाता है वो मर्दे मोमेंट है। मेरे ख्याल में अजय बंगा मर्दे मोमन है, जो तरक्की की बुलंदियों को टच कर रहा है। मैं अब DNA पे बहुत रिसर्च कर रहा हूं, मैं शर्मिंदा हूं अपने DNA पे, अपने DNA पे शर्मिंदा हूं। उसकी वजह यह है कि हमारे DNA में सिर्फ बेचना है, वो भी सस्ता बेचना है, क्योंकि वहां पे मर्दे मोमन तो पैदा ही नहीं हो रहा, और 76 साल से नहीं हो रहा, आज की बात नहीं है ये। आपके हालात आज के नए नहीं है चीमा साहब, ये आपके हालात शुरू से ऐसे ही 1947 से। दुनिया में इंडिया एक तरह से रूल कर रहा है,
जहाँ भी आप देखिए हर तरफ आपको इंडियन ही, रिसेंटली ही जहाँ से पाकिस्तान कर्जा लेता है वर्ल्ड बैंक, उसका भी CEO इंडियन बन गया है। क्या हम आने वाले वक्तों में जब भी कर्जा लेना होगा हम इंडिया के पास जाएंगे कर्जा लेने? इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो कि उनकी हर मतलब कि जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, YouTube का CEO या किसी भी कंपनी, बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख लें, उन पर CEO इंडियंस ही बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नज़र ही नहीं आते हैं, हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पांव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मुकाम देख रहे हो आप फिलहाल अपनी नज़र में, जिस तरीके से वो डेवलप हो रहा है? भाई इंडिया का मुकाम क्या है, क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे ही पता, आपको पता, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया लिंक हूँ, आप भी सोशल मीडिया पर इससे लिंक है। इंडिया देखो, अब आपने वर्ल्ड बैंक का CEO भी बताया, इससे पहले YouTube का CEO इंडियन है, ट्विटर का CEO इंडियन है, उसके बाद UK का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक वो इंडियन है, ठीक है। उसके अलावा कैनेडा के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक क्या कहते हैं रचना सिंह है, इंडियन है, ठीक है। और भाई वो खाली देखा जाए ना, अगर इंडिया के खाली जो मेल साइड है, मेल जो है वो ही नहीं प्रमोट कर रहा अपने आप को, बल्कि फीमेल साइड भी अपने आप को प्रमोट कर रही है, ठीक है। ओवरऑल बात की इंडिया अपने आप को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। उन्होंने मोड़े बनाए हैं अपनी आवाम को और प्रमोट करें, ये वजह सिर्फ यही है कि जो इंडियन आवाम है वो अपनी गवर्नमेंट से कोऑपरेट करती है, कोऑपरेट इंडियन जो है गवर्नमेंट जो आवाम से कोऑपरेट करती है, इसलिए इंडिया आज यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। नहीं तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया का पाकिस्तान के साथ। उसको भी 75 साल ही आज़ाद हुए, हमें भी 75 साल आज़ाद हुए, लेकिन 75 साल में उन्होंने कोऑपरेटिव तरीके से अपने आप को आगे किया और हमने जाहलाना अंदाज में अपने आप को पीछे किया, बाफरा कितना है। और क्या फ्यूचर इंडिया का? फ्यूचर इंडिया का ये है कि उन्होंने अपनी क्या कहते हैं रोबोटिक सिटी बना ली है पूरी, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में यहाँ पे एक अंडरपास नहीं बन रहा, ठीक है। ये फ्यूचर नज़र आ रहा है जो हम सिर्फ कार्टून्स में देखते हैं ना कि 21वीं सेंचुरी में, सदी में ये होगा, 22वीं सदी में ये होगा, वो इंडिया कर चुका है और हम बहुत पीछे हैं। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, उन्होंने तालीम को गले लगाया, वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ना तालीम है, ना हमारा कल्चर अपना रह गया, हम हैं भेड़ चाल तरह चल रहे, हम सिर्फ मुतासर कौम हैं, हम तख्लीकार नहीं हैं, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। किसी भी शोबे में हम देख लें, हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं। निज़ाम तालीम एक ही नहीं है, बच्चे मेरे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या पढ़ेंगे। हम जो है हर एक का मजाक उड़ाते हैं, हर एक के ऊपर मतलब हम फन करते हैं। किस तरीके से आप देखते हैं, हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। खुदा उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता, ना हो ख्याल जिसे आप अपनी हालत के बदलने का। जो भी कौमें उन्होंने तरक्की की, जिन कौमें तरक्की की, उन्होंने मेहनत की है, तरक्की करने की वजह मेहनत है, अपने कल्चर को अपनाना है, हुनर है, सियासत है, तालीम है। हम उन चीज़ों से दूर हैं, हम सिर्फ दंगा मस्ती में हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है जिसकी वजह दूसरे तरक्की कर रहे हैं। अगर आप बात करें CEO की बात करते हैं तो CEO किस कहाँ पे नहीं है यार, उन लोगों का अगर मैं बात करता हूँ अमेरिका में उन लोगों का CEO आ चुका, अगर मैं उन लोगों की बात करती हूँ YouTube का उन लोगों का अपना CEO आ चुका, वर्ल्ड बैंक का भी रिसेंटली आपने मुझे न्यूज़ बताई है, मैं बड़ा अप्रिशिएट हूँ यार ये बात सुन के कि वो दिन ब दिन अपने आप इंडियन ओरिजिन को ग्रो करके अपने दुनिया के आगे नजर ले कर रहे हैं। मैं उनको कांग्रेस करता हूँ। और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि यार वो अपने आप के अपनी कौम के साथ मुखलिस है, उनकी हुक्मरान उनके गवर्नमेंट मुखलिस है। ये है हमारा प्यारा भारत जिस पे आज पूरी दुनिया दौलत लुटाने के लिए तैयार बैठी है। भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है दोस्तों, और वो सिर्फ इसी वजह से बनने जा रहा है क्योंकि हमने अच्छी शिक्षा ली है, और अच्छी शिक्षा के बल पर आज हम दुनिया में राज कर रहे हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया हमारे कदमों में गिर रही है दोस्तों। ये है भारत की ताकत, जो भारत ने माँ बाप ने भारत के जो बच्चों को दिया है, यही है, इसी से हम जीत सकते हैं दोस्तों, और इसी से हम जीत रहे हैं। आने वाले वक्तों के अंदर देख लेना भारत कहाँ पहुँच जाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी दोस्तों। हम चांद पर पहुँच गए हैं, हमने दुनिया जीतनी है और हम दुनिया जीतेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।